ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। लाखों मोहिनी मंत्र बताने के बाद आज मुझे मेरी डायरी मिली है जिसमें कि ये मंत्र जो है ये एकदम से मेरे सामने आ गया। ये एक ऐसा चमत्कारी मोहिनी मंत्र है जो कि किसी को भी पलक झपकते ही आपके प्यार में बावरा कर देगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और इसकी विधियाँ भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज ये मंत्र एकदम से मेरे सामने आया है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये मंत्र दे दिया जाए। इस मंत्र में काफ़ी सावधानियाँ रखी जाती हैं, जैसे कि मोहिनी मंत्र मैंने आपको बताया है कि अपने आप को स्वच्छ रखिए और इस मंत्र का जाप कीजिए तो आपके जितने भी दुखड़े हैं, चाहे पति ना सुनता हो, पत्नी ना सुनती हो, कोई प्रेमिका रूठ कर भाग गई हो या किसी भी तरह का कलह कलेश हो, उसको भी ये दूर कर देगा। जो मोहिनी मंत्र हैं उनका निर्माण इसलिए किया गया था ताकि आप अपने किसी भी साथी को वशीभूत कर सकें, कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि सामने वाला आपके सामने नतमस्तक हो जाए। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग मंत्र पे मंत्र किए जाते हैं लेकिन एक भी मंत्र नहीं लग रहा होता, उस समय पे मोहिनी मंत्र काम आते हैं। आपको करना बस इतना है कि कोई भी सिद्ध मोहिनी मंत्र उठा लीजिए और उसका जाप शुरू कर दीजिए। जाप एक ऐसे निश्चित समय पर होता है जब उस मंत्र की शक्ति प्रबल हो। जो ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इस मंत्र की शक्ति सुबह और शाम प्रबल होती है। सुबह शाम यदि आपने ये एक एक माला जप लिया तो समझिए जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही आपके सामने, आपकी आंखों के सामने घटित होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस मंत्र में कुछ ऐसा है जो कि आपकी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। मैंने जिस जिस को ये मंत्र दिया है, इस मंत्र ने उसके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोल दिए हैं जिनके बारे में वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। किसी ना किसी ऐसे रास्ते से उन दोनों का मिलन हुआ और आज वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी में इस मंत्र ने परिवर्तन लाया है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़कर कहीं ना जाए, आपके पति जो हैं वो बहाने बनाना बंद करें, बाहर कम जाएं और आपके समीप आ जाएं, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो जो दिल तोड़कर आपका चली गई हो, या कोई ऐसा प्रेमी हो जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हैं लेकिन उसे कह नहीं पाते, तो ऐसे में ये मोहिनी मंत्र आपकी बहुत बड़ी सहायता करने वाला है। इस मोहिनी मंत्र से मैंने हाथों हाथ चमत्कार होते हुए देखे हैं। एक बार मंत्र बोलने से ही सामने वाला वशीभूत हो जाता है। मंत्र बहुत छोटा सा है, बहुत सरल है और इस मंत्र का प्रभाव कभी खाली नहीं जाता। तो जब भी किसी मोहिनी मंत्र का प्रयोग करें तो अपने ग्राम देवता का ध्यान करें, फिर अपने कुल देवता का ध्यान करें, इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान करें और फिर गुरु से अनुमति लेकर इस मंत्र का जाप करें। जति अनुमंत कनेरी मेरे घट पिंड का कौन है, वैरी 36 पवन मोही मोही जोही जोही दह दह। जंगल की योगिनी पाताल के नाम, उठ गढ़ मेरे वीर उस स्त्री का नाम। आओ मेरे पास जहां जहां जाए मेरे सलाई, तहां तहां अब कज भरी नज भरी अगरी।
तक नफ एक एक फूंक फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा मेरे गुरु का वचन साचा जो न जाए वीर गुरु गोरखनाथ की दुहाई। तो मंत्र थोड़ा सा बड़ा है और इसको आप देख कर भी कर सकते हैं। अगर मंत्र समझ में ना आए तो आप एक बार sirstops.com पर जाएं, वहाँ पर वीडियो के नीचे आपको ये मंत्र लिखा हुआ दिख जाएगा। sirstops.com का आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। अगर कोई भी मंत्र समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कॉल ना करें, वहाँ जाएं, वहाँ पर उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन में बता रखा होता है कैसे करना है, क्या क्या लगेगा इसमें। तो इस मोहिनी मंत्र को आपने एक एक माला सुबह शाम जप लेना है, जब संध्या काल हो और जब सूर्योदय होने वाला हो उस समय पे आपको एक एक माला जप लेना है। मंत्र एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा है। जति अनुमंत कनेरी मेरे घट पिंड का कौन है, वैरी 36 पवन मोहि मोहि जोहि जोहि दह दह, जंगल की योगिनी पाताल के नाम, उठ गढ़ मेरे वीर उस स्त्री का नाम। उस स्त्री का नाम, जैसे कि यहाँ पर उस स्त्री का नाम आया है, यहाँ पर आपको कोई भी आपका जो प्रेमी हो, प्रेमिका हो या आपके पति हो, उसका नाम आपको यहाँ पर लेना है। इसके बाद बोलना है आओ मेरे पास, जहाँ जहाँ जाए मेरे सलाई, तहाँ तहाँ अब कजमरी नजबरी अगरी तक नफ एक एक फूक फुरो मंत्र ईश्वर वाचा मेरे गुरु का वचन साचा जो न जाए वीर गुरु गोरखनाथ की दुहाई। तो इस तरह से, इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दुहाई मंत्र है। तो जो भी कोई दुहाई मंत्र होता है वो कभी खाली नहीं जाता। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मोहिनी मंत्र और ऊपर से इसमें दुहाई भी आ गई है। तो यूं समझिए कि ये आपके लिए 100% काम कर जाएगा। पूरे विश्वास के साथ इसका जो है आप जाप करना शुरू कर दीजिए। जाप करने की विधि रहेगी पूर्वमुखी होकर आपको जो है इस मंत्र का जाप शुरू कर देना है। 41, 21, 11 ये आपको देखना है कि आपको कितने दिन करना है। यदि पहले ही हफ्ते में आपको असर दिख जाए तो आपको ये जो साधना है ये 21 दिनों तक करनी है। अगर 21 दिनों में असर ना दिखे तो आपको 41 दिनों तक करनी है। 41 दिनों के बाद आपको ये साधना नहीं करनी है। अगर पहले ही दिन में आपको असर दिख जाए तो आपको 41 दिन पूरे करने होंगे। 41 दिनों की ये साधना है। लेकिन अगर पहले हफ्ते में आपको असर दिखता है तो आपको ये 21 दिन करनी होगी। तो याद रखिए, अगर पहले दिन दिख जाती है तो पूरे 41 दिन करनी होगी, लेकिन पहला दिन छोड़कर अगर उसके बाकी दिनों में आपको ये असर दिखाती है तो आपको 21 दिनों तक करनी पड़ेगी। मतलब कि पहला जो दिन है अगर उस दिन इसने काम कर लिया तो आपको ये 41 दिनों तक करनी है। अगर पहले दिन में असर ना दिखे तो आपको ये 21 दिनों तक करनी है। छोटा सा हिसाब है, इसको इसी प्रकार से करना होता है। और इसके बाद जो है, जब आपका मनोरथ सिद्ध हो जाए, जब आपको मोहिनी चलानी आ जाए और जो भी आपका मनोरथ था वो पूरा हो जाए, तो आप अपने ग्राम देवता को कुछ चढ़ा सकते हैं, जो भी आप चढ़ाना चाहें। क्योंकि जब भी कोई मंत्र करते हैं तो पहले ग्राम देवता को कुछ उपहार देने की बात करते हैं। तो इस मोहिनी मंत्र में कुछ भी ऐसा उपहार आपको देना होगा, कहना होगा कि अगर ये मेरा काम बनता है तो मैं आपको इस प्रकार का उपहार दूंगा। और जैसे ही आपका काम बने तो जाइए अपने ग्राम देवता के पास और उनको वो भेंट दीजिए, और जहाँ जहाँ आपने मन्नतें मांगी थी वो सारी पूरी कीजिए। और उसके बाद आपका ये जो मोहिनी मंत्र है ये पूरी ज़िंदगी, उम्र भर के लिए उस व्यक्ति पर काम करेगा।
और इसे बड़े से बड़ा ओझा तांत्रिक भी नहीं तोड़ सकता। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सटीक मंत्र है। एक बार कर देने से जिंदगी भर जो भी आदमी होगा वो आपका गुलाम बन के रहेगा।